हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ एंड दिस इज वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। इट इज़ द टाइम ऑफ साइंस क्लास। ओके, एंड आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स हम लोग 2 क्लासेस में 2 पार्ट्स में क्लियर कर चुके हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ओके, एंड वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हार्डनेस। ओके, टुडेज टॉपिक इज लस्चर। ओके, द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज लस्चर। लस्चर मीन्स शाइनिंग। मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट्स। जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, अगर वो प्योर स्टेट्स में हैं। अब आयरन ना बोल देना सर, वो आयरन की जो रॉड होती हैं, सरिया वगैरह, वो तो शाइन नहीं करती हैं। बेटा, वो प्योर फॉर्म नहीं है। आयरन का प्योर फॉर्म होता है स्टील, और स्टील देखिए कितना शाइन करता है, ठीक है। सो मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट्स। जितने भी मेटल्स होंगे, अगर वो अपनी प्योर स्टेट्स में हैं, ठीक है, सो वो शाइन करेंगे। दिस शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक क्लस्चर। और जो ये प्रॉपर्टीज़ होती शाइन करने की मेटल्स की, उसको किस नाम से जाना जाता है? मेटेलिक लस्चर के नाम से। ओके, आई रिपीट, मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट्स। मेटल्स जो हैं वो शाइन करते हैं अपनी प्योर स्टेट्स में। दिस शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। और जो ये शाइन करने की प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की, उसको क्या जानते हैं? मेटेलिक लस्चर के नाम से। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। सर, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो मेलेबिलिटी मींस होता है कि सब्सटेंस को हम बीट करें, अगर उसको हैमरिंग करें, हथौड़े से पटकें, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ओके, मेटल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको बीट करेंगे, ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट में। और इसी की, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी। गोल्ड इज़ अ हाईली मेलेबल मेटल। और सबसे ज़्यादा हाईली मेलेबल मेटल्स क्या होता है? गोल्ड। ओके, आई रिपीट, मेलेबिलिटी मीन्स बीटन करने पर उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके। और मेटल्स आप देखते भी होंगे, अगर कोई भी पीस ऑफ मेटल्स ले लें, उसको बीट कराएं, हैमरिंग कराएं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शीट में। ब्रेक नहीं होगी, शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टीज़ की, वो मेलेबिलिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। गोल्ड इज अ हाईली मेलेबल मेटल्स। ओके, ये क्या है? कलेक्ट सम आर्टिकल्स ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, रब देयर सरफेस विद सैंड पेपर। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अरे बेकार है ये, क्या है? टू चेक द मेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल। ये हो सकता है, ये अच्छी एक वो है, ठीक है। हाउ डू यू चेक द मेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल? ओके, सो ये एक्टिविटी अच्छी है, और शायद हम वर्कशीट में कल देंगे भी आपको। टू शो दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत अच्छी है। इसको क्रॉस लगा लो, ये ज़्यादा अच्छी है, इसको हम वर्कशीट में भी आपके देंगे। टू शो दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो आयरन नेल लेंगे, पीस ऑफ वुड लेंगे, कॉपर, जिंक, निकल, रबर, कोल एंड हैमर। ओके, मेथड, सेट अप अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द पिक्चर। इस तरीके से ये पूरा एक सेल लेंगे, वायर के थ्रू इसको एक किस पे, ये जो नेल हमने लिए ना, आयरन नेल, लोहे की कीली, इससे कनेक्ट करते हुए इस वायर को बल्ब तक ले जाएंगे, ठीक है। सेट अप अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द पिक्चर। प्लेस एन आयरन नेल, प्लेस एन आयरन नेल, ये देखिए, प्लेस एन आयरन नेल इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। ऑब्जर्व करेंगे कि इस
अगर ये पंप इससे कनेक्ट कर दें, मतलब ये जो वायर जा रहा है इसके एक एंड को इसके हेड से, नल के हेड से और एक को एंड से कनेक्ट करते हुए यहाँ से पास करते हुए, मतलब ये सर्किट में बीच में हमने नल को सेट करके बल्ब की ओर ले गए, तो अब हम देखेंगे ये ग्लो होगा कि नहीं होगा। नाउ प्लेस दी पीस ऑफ वुड इन दी प्लेस ऑफ आयरन नेल। अब यहाँ इसको हटा के क्या करेंगे, एक पीस ऑफ वुड जो हमारे पास है उसको लगा देंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ। रिपीट दी प्रोसीजर यूजिंग दी पीस ऑफ रबर, कॉपर, निकल एंड जिंक। ऐसे बार बार, एक बार रबर को लगाएंगे, एक बार कॉपर को लगाएंगे, एक बार निकल को और एक बार जिंक को। ग्रुप दी मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स ऑफ और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो ये ग्रुपिंग कर लो, कौन गुड कंडक्टर होता है कौन बैड कंडक्टर होता है। सो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर आयरन, कॉपर, ठीक है, इनके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे वायर को तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। और रबर और ये क्या है, पीस ऑफ वुड, ठीक है, इनके साथ बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो जब ये आयरन नेल, वुड पीस, रबर, कॉपर, निकेल, जिंक जब इस यहाँ पे यूज़ करेंगे वायर के बिटवीन, टू वायर्स के बिटवीन, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, आयरन नेल, कॉपर, निकल, जिंक जब मैंने यूज़ किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और बल्ब जो होगा ग्लो होगा ऑब्जर्वेशंस में, और जब हमने वुड पीस और रबर का यूज़ किया तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, सो प्रूफ हो जाएगा ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ओके एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यहाँ एक टेबल दी गई है, कॉपर गुड कंडक्टर, आयरन गुड कंडक्टर, जिंक गुड कंडक्टर, निकल गुड कंडक्टर, रबर पुअर कंडक्टर, वुड पुअर कंडक्टर। ओके, सो आपकी टेबल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब सॉरी, एक यहाँ पे डक्टिलिटी यहाँ पे प्रॉपर्टी छूट गई है, सॉरी मैंने देखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट कराते हैं, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीन्स होगा, जैसे ये मेलेबिलिटी का मीन्स थिन शीट में कन्वर्ट होता है, वैसे डक्टिलिटी का मीन्स एक वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर, जिनको एक वायर में ड्रॉन या कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है दैट अलाउज अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस में अलाउ करके उसे वायर में कन्वर्ट करती है या ड्रॉन करती है। मेटल एग्जिबिट दी प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, मेटल जो जितने भी मेटल्स हैं वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट मतलब कंटेन करते हैं, होती है, उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ठीक है, कई तरीके के वायर्स आते हैं ना मार्केट में। एज अ रिजल्ट ऑफ डक्टिलिटी वी आर एबल टू ऑब्टेन वायर्स ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, गोल्ड एंड टंगस्टन। टंगस्टन जो बल्ब में यूज़ होता है, जो बल्ब में जो ग्लो पार्ट जो करता है वायर, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। सो गोल्ड एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल मेटल्स, और ये टंगस्टन जो होता है ये भी क्या होता है, एक मेटल्स होता है, और ये बहुत हाईली डक्टिलिटी मेटल्स होते हैं, मतलब ये ब्रेक बहुत हाई उस पे करेंगे बेटा वोल्टेज में। जैसे टंगस्टन्स भी हैं, जब ये 220 जो हमारा वोल्टेज होता है उसमें बहुत अच्छा प्रॉपरली वर्क करता है, जब ये 240 से अबव जाता तब ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूज़ मतलब वहाँ उस पार्ट से वो मेल्ट कर जाता वहाँ से, ठीक है। तो इसके जो डक्टिल जो होती है, डक्टिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। नंबर 5 कंडक्टिविटी। सो टाइम ओवर हो गया है, सो बाय, टेक केयर, क्योंकि 10 मिनट्स का हो गया और दिक्कत भी होगी अपलोडिंग में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।